कल के अपने बात मार्केट की एक खास बात देखी, जिसका डर था वो एक्चुअली नहीं हुआ, उससे रिवर्स हुआ। बजाज फाइनेंस डेज हाई पे बंद हुआ और जियो फाइनेंशियल्स नीचे के सर्वे पे बंद हुआ। ये जो बजाज फाइनेंस का बिजनेस को डिसरप्ट कर देगा जियो फाइनेंशियल, इसके चक्कर में आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई? ये देखिए 3% ऊपर, 7,500 के ऊपर, ये सारी नेगेटिवनेस प्राइस्ड इन हो गई है। बजाज फाइनेंस इस भाव पे कैसा दिखता है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली आई मीन जिस हिसाब से हाइप क्रिएट था कि बजाज फाइनेंस को काफी आई मीन नुकसान हो सकता है जियो फाइनेंस का आने से, मुझे लगता है वो हाइप अभी भी रहेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बजाज फाइनेंस का अगर ग्रोथ को बात करें और जिस तरह की जो मल्टीपल अभी डिजर्व करता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बजाज फाइनेंस के सेल के लिए मल्टीपल री रेटिंग का ऑप्शन है। अगर वो अगर इंडस्ट्री और स्ट्रीट ये चीज पे ज्यादा वॉचफुल रहेगी कि वो जो ग्रोथ अपना बता रहा है 30-35% का जो ग्रोथ रजिस्टर कर करते आ रहा है, अगर वो लोअर एंड पे 30% पे भी रुकता है तब भी वो स्ट्रीट उसको लाइक करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रोथ ओवर द पीरियड आई मीन 5 से 6 साल, जब ये आई मीन जियो फाइनेंस जब रैंप अप काफी यू नो स्ट्रॉन्ग वे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो 30%+ वो सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली एज ऑफ ना नियर टर्म 1 to 2 ईयर परस्पेक्टिव मुझे बहुत बड़ा रिस्क बजाज फाइनेंस पे नहीं लगता है, बट मल्टीपल री रेटिंग का ऑप्शन भी नहीं लगता है, क्योंकि आई मीन 5.5 का मल्टीपल FY25 के अर्निंग्स में अभी भी बहुत हायर साइड पे लगता है। और जो इस वजह से मिलती है क्योंकि ये कंपनी लगभग 30% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली रजिस्टर कर रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नो 4 से 5 साल का अगर मैं कंसिडर करूँ लॉन्ग टाइम होराइजन, तो इनका ग्रोथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा बिकॉज ऑफ यू नो जियो फाइनेंस। तो मुझे नहीं लगता है कि बजाज फाइनेंस में आई मीन बहुत बड़ा आई मीन अपसाइड हम लोग देख सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वैल्यूएशन मल्टीपल वुड बी एट रिस्क। एक और